उस पर जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हनुमान जी की पूजा साधना के लिए आपने बहुत सारे उपाय बताए, कुछ ऐसे सरल से उपाय बताएं या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे टोटके बताएं, छोटे उपाय बताएं जिनको अर्पित करने से या जिन चीज़ों के प्रयोग से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हनुमान जी को कौन सी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पर आप अर्पित कर सकते हैं जो आपको समृद्ध बनाएगा, हर प्रकार से स्वास्थ्य आपका अच्छा रखेगा, संपन्न और धनवान बनने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय, किस प्रकार से आप इसका लाभ ले सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा मन को शांति तो प्रदान करती ही है, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की भक्ति और आराधना के संबंध में कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति जल्द ही भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है और सभी दुखों से स्वयं को दूर कर लेता है। अपने आप को और अपने परिवार को वह व्यक्ति सुरक्षित कर सकता है। वैसे तो सभी देवी देवता जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले होते हैं, लेकिन कलयुग में हनुमान जी की कृपा सबसे शीघ्र मिलती है। कलयुग के देवता हनुमान जी माने गए हैं। तो किस प्रकार से आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं इस कलयुग में और अपने दुखों से पार पा सकते हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में केवल दो दिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का विधिवत पूजन करे और तब उसके जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं। बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ या फिर श्री राम मंत्र ओम श्री रामाय नमः या ओम रामाय नमः मंत्र का जाप कर लेना ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ ही श्री राम के अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना चाहिए। यही दो प्रमुख चीजें हैं, खासतौर पर सिंदूर और चमेली के तेल का चोला। किन्हीं किन्हीं मंदिरों में तिल के तेल को भी अर्पित किया जाता है। यह दो चीजें हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्त उन्हें सिंदूर अर्पित करता है उससे भगवान हनुमान श्री तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति की समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी को सिंदूर क्यों अर्पित किया जाता है, इस संबंध में शास्त्रों में कई सारी कथाएं बताई गई हैं। इन्हीं में से बहुप्रचलित एक कथा इस प्रकार है। रावण वध के पश्चात जब श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी सबके साथ अयोध्या वापस आए, वहां श्री राम जी का राज्याभिषेक किया गया। इसके पश्चात एक दिन हनुमान जी ने देखा कि माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं। कौतूहलवश, उत्सुकतावश बजरंग बली ने माता सीता से सिंदूर लगाने का कारण पूछ लिया। तब माता सीता ने बताया कि इस प्रकार सिंदूर को लगाने से मेरे स्वामी श्री राम को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होगी और उनकी कृपा, उनकी प्रीति मुझे प्राप्त होगी। यह सुनकर के हनुमान जी ने सोचा कि यदि वे अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा करके आते हैं तो उनके स्वामी श्री राम की पूर्ण भक्ति उनको प्राप्त हो सकती है, श्री रामचंद्र जी की कृपा उनके ऊपर बरस सकती है। यही सोच करके उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से अर्चित कर लिया। इसी घटना के कारण भगवान श्री हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा आरंभ हुई है, ऐसी मान्यता है। तो जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति अपने कष्टों से पार पाने के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, वह अब एक शिष्य को, एक भक्त को उसके गुरु के और निकट ले जाता है। यानी हनुमान जी की जो श्री राम के प्रति साधना है उसमें आप बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे में आपके कष्टों में कमी आती है और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये तो आचार्य जी ने हमें बताया हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।